दोस्तों, जो स्क्रीन पे ये बंदा दिख रहा है अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब देख क्या रहे हो यार, सच बता रहा हूँ, विश्वास नहीं हो रहा है। मैं सच कह रहा हूँ, रियलिटी कह रहा हूँ कि इंसान साई लाल यादव जी का पर्सनल यूट्यूबर है ये अब इस दुनिया में नहीं रहा। दोस्तों, विश्वास नहीं हो रहा है, आप लोग कहिएगा कि भाई प्रूफ दिखा, तो प्रूफ देखना चाहते हैं। अरे मोटका, प्रूफ दिखा तो हमारे भाई लोग के। तो दोस्तों, देख सकते हैं स्क्रीन पे इस इंसान का, जिसका नाम है महेश पांडे, जो खेसारी लाल यादव के पर्सनल यूट्यूबर है, इनके चैनल पे अब तक रेगुलर वीडियो अपलोड हो रहा है। और दोस्तों, ये इंसान पता है लाइव में आके क्या बोल रहे हैं कि मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो ये फलाना ठिमका ना इतना ज्यादा सुना गए, लोगों को मूर्ख बना गए। दोस्तों, इसके चैनल पे जब हमारा मोटका भाई सर्च किया, देखा, तो यार मिला कि ये बंदा हर समय रेगुलर है, तो ये डिप्रेशन में कब गया? दोस्तों, यानी कि ये बेशर्मी का हद पार कर दिया है। दोस्तों, इसके चैनल पे रेगुलर वीडियो आ रहा है। दोस्तों, इससे साफ साफ पता चलता है कि ये भाई डिप्रेशन में नहीं है। लेकिन दोस्तों, उस होटल में इसके साथ क्या हुआ नहीं हुआ ये अभी तक किसी को नहीं पता है। खैर, उस होटल में क्या हुआ नहीं हुआ इसको जानने का उतना कोशिश आप लोग मत कीजिए, बस इतना समझिए कि भाई अगर तोरा इंटरव्यूए देवे के रहे वो लड़की के साथ, तो तू अपना घरे बुला लेता। अगर पर तू रहे ला हर आदमी के सामने बुला के इंटरव्यू ले लेता, ओकरा होटल में बुलावला के का जरूरत रहे बताबो। कहीं भी इंटरव्यू आप ले सकते हैं, अगर इंटरव्यू के मकसद से जाने तो आप उसका इंटरव्यू कोनो भी जगह कहीं भी ले सकते हैं। लेकिन ना भाई, आप दूसरे मकसद से गए थे ये तो सबको पता है। लेकिन दोस्तों, ये बंदे के साथ अगर ऐसा हुआ तो क्या सही हुआ या गलत हुआ? दोस्तों, आप लोग ही सोचिए कि इंसान के साथ कान पकड़ के उठा बैठी करवाया जा रहा है, और उस वीडियो थोड़ा सा वायरल हो गया है, और इसका पापा ने जब उसको देखा तो ये बंदा कह रहा है कि मैं अपने पापा के सामने नज़र उठाकर देख नहीं रहा हूँ। तो आप ही सोचिए, महेश पांडे जी, मैं आपको ही कह रहा हूँ कि जब आप इतना छोटी सी बात को लेकर नज़र नहीं मिला पा रहे हैं, तो सोचिए आपने किसी परिवार के ऊपर टारगेट करके वीडियो बनाया है। दोस्तों, मैं मानता हूं कि अगर आप खेसारी लाल जी के यूट्यूबर हैं तो आप उनके फेवर में बनाइए, उसमें पवन सिंह को मत घसेटा कीजिए। खैर दोस्तों, आप लोग बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और ये सही हुआ है या गलत हुआ है? नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, तो जाके कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले बड़ा वीडियो के साथ। मैं सोनू, आप सभी को नमस्कार।